हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग, उसमें हम लोग एक्सरसाइज ए कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा है, क्या दिया है। तो हमें स्टार्टिंग का मान दे दिया है ये, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। इसका बेसिक मैं बता चुकी हूँ कैसे बनता है। ये कितने आर आता है, 3 × 3 आ रहा है, मतलब कितने रो है, 3 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, जब हम एक को लेंगे, यानी ये किसकी जगह है, ए 1 1 की जगह है, ए 11 की जगह है। तो ये वाला जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट क्या है कॉलम है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 3 10 7 4, ये बचा, इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग एक को लेंगे। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको लिख लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया है करके, फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम एक को लेंगे तो जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको ले रहे हैं। तो कितना बचा, 3 × 10 माइनस 7 × 4। अब यहाँ दो को लेंगे, अब ये किसकी जगह है, ए 1 2 की जगह है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो यहाँ क्या आता है, माइनस, ये मैं आपको बताई थी क्या होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही रहता है इसका फॉर्मूला में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस 2 2 को लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 2 × 10 माइनस 7 × 3, ये हो गया। अब हम 4 को लेंगे, मतलब ए 1 3 को लेंगे, तो इसका जो रो है और ये क्या है, कॉलम है, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 4 4 को ले रहे हैं हम लोग, तो क्या बचा, 2 × 4 माइनस 3 × 3, ये हम लोग ले लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, 7 × 4 ये 28 हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस 2, फिर इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ यहाँ 7 × 21, ये हो गया। फिर इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 2 × 4 ये 8 हो गया, 3 × 9 हो गया। ठीक, अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 30 में से 28 गया कितना बचा, 2 बचा। इसी तरह से 20 में से 21 गया तो कितना बचा, माइनस 1 बचा, क्योंकि ये क्या है, बड़ी संख्या है, उसके सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस 1 आ जाएगा। और 8 में से 9 गया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका इंटू होगा तो, और इसका इंटू 2 × 1 के साथ होगा, और माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 × 1 2 हो गया। फिर 4 × -1 के साथ गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 4 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो सारणी का आंसर आया है वो क्या आ जाएगा, 0। तो अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, जब भी हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसमें क्या आता है, मैट्रिक्स ही आता है, लेकिन जब हम सॉलिड सॉल्व करते हैं उसमें क्या आता है, उसकी वैल्यू आता है। तो इसमें इसका वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, एक क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। इसी तरह सारे क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।